दाग नहीं है लेकिन राग नहीं है ना। आइए क्या बोलते जी। दोस्तों एक बात बोलना था, खुद मेकअप एकदम लगा लिया है, देखिए पसीना आ गया। हम एकदम मेकअप नहीं लगाए, क्या बोले, देखिए आ गई है। आप क्या बंदरिया जैसा कर रहे हैं, आप बंदू जैसा कर रहे हैं। मेरा मेकअप का सामान आ गया, हमेशा यही मेकअप कर देती है। इतना भीगते हैं जी, माय पसीना हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। हमारे यहाँ मिर्चा नहीं खा रहा ना तो कैसे हो रहा है। हमारे यहाँ पसीना बहुत आता है, हम लोग मेहनती आदमी है। अरे याद है अनुष्का भी ऐसी मेकअप की थी एक दिन, याद है वीडियो देखे हैं तो फिल्म जो कर रहे थे हम लोग। क्या हवा आया, ठंडी ठंडी। जानते हैं दोस्तों यहाँ पे ना सब हमारे बात पे फिदा हो जाता है ना, तो रानी का बात कोई सुन भी नहीं करता, बड़ी हंसी आता है। यहाँ नहीं जी, मेरा भी घर है, सब उल्टा हमें को बोलने लगता है। बोले कोई बात नहीं, ससुराल वाले मेरे अच्छे हैं, आपा कोई नहीं सुनते हैं, सब मेरा सुनते हैं, मेरे ससुराल वाले मेरे सुनते हैं, आपको सुनते हैं। सजन रे झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो, पा लिया है प्यार तेरा अब नहीं खोना, ओ मेरे सोना तुम मेरी होना। अखियाँ से ऐसे करके लगाते थे ना, वो आज काजल आप नहीं लगाए इसलिए ना, नहीं तो मेरी रानी हमेशा ऐसे करके ऐसे करती है भले लड़ाकी लेकिन। हो गया तो फाइनली मेरा मैं तो दोस्तों इधर आइए, मैया इधर आ जा, मुन्नी हमारे इधर आइए। तो दोस्तों फाइनली मेरा मेकअप हो चुका है, रानी मेरा मेकअप तैयार कर दिया, कानवाली नहीं पहने क्योंकि घर में छूट गया था, लाए थे एक ही लाए थे गलती से, दो एक छूट गया था। तो दिलबर का सिंगार अधूरा रहता है जब तक नजरों से नजर दीदार अधूरा रहता है। आपको नहीं खिचखिचाई, ये गाना का थीम है यार, थीम है। हम गाना नहीं गाने आते हैं क्योंकि मेरे जीवन में राग नहीं है। राग नहीं है लेकिन रागनी है ना। आइए क्या बोलते जी। राग नहीं है लेकिन रागनी है ना, कोई रागनी नहीं है, जो है सो आप हैं। देखिए ना कितना स्मार्ट दिखते हैं यार, अगर इसलिए हम गाना नहीं गा पाते हैं। आप बंदरिया, हम बंदर, आप मेरे बंदरे, लीलगा है पीयूष। पीयूष है लीलगा है, वीडियो देखेगा तो नहीं जानेगा। ठीक है दोस्तों, ये इनका फूटा फोन है, फूटा हुआ फोन है, लेकिन इस फोन के लिए कल रात को बहुत झगड़ा, ढेर सारा झगड़ा हुआ। फोन स्विच ऑफ था तो हमको बोल रहे हैं कि लीजिए फोन, तो मैं भी सोची कि स्विच ऑफ है तो नहीं, हमको ये नहीं पता था कि स्विच ऑफ है, लेकिन हम सोचे कि हाँ ले लेते हैं, मिला है फोन, लेकिन नहीं मतलब दे चुके। फिर मैं खोल के देखती हूँ तो फोन बिल्कुल स्विच ऑफ रहता है, फिर हम सोचे कि वो बात ऐसा है कि फोन स्विच ऑफ था इसलिए हमको मिला। ये फूटा हुआ जरूर है लेकिन इसमें खजाना है फोन में, इसीलिए शायद ये मेरे को ये अपना फूटा हुआ फोन नहीं देते हैं। ये जो वीडियो बन रहा है ना वो मेरा फोन है, नया वाला फोन है, लेकिन उसको कोई नहीं पूछता है। ये पूछते हैं कब, जब ब्लॉग्स बनाते हैं तब, जब एडिट करते हैं तब, बाकी टाइम में ये इनका फूटा हुआ ही फोन चाहिए तो चाहिए, क्योंकि उसमें मेरा खजाना है, क्योंकि ना उस फोन में सारा राज है।
सारा राज तो जानती ही है, लेकिन एक होता है ना। ठीक है दोस्तों, बात देखिए कितना भी है बेचारी, लेकिन मेरा ख्याल पूरा रखती है। जा रही थी गुस्सा से, लेकिन चश्मा देके गई। चिल लीजिए इसको पहन के बनाइए। अरे वाह, देखिए कितना भी बेचारी लड़ती है, लेकिन सेवा तुरंत करना स्टार्ट कर देती है। जल्दी जल्दी मैया, हम लोग कभी सब ध्यान देते हैं, जूता पोछो, ये पोछो, वो पोछो। अब हम लोग का विदाई हो रहा है, काफी रोना आ रहा है। मैं काफी रो रहा हूँ, लेकिन मोबाइल में नहीं दिख रहा है कि मैं रो रहा हूँ। कहा बोले सर, कोई बात नहीं, हम लोग सामने से दूर हो रहे हैं, लेकिन फोन पे तो मौसी हमेशा रहती है। बहुत ठीक है मौसी, मिलते हैं मनीष भैया के शादी में फिर से। बड़े साला का शादी होने वाला है, मौसी कभी नहीं पीछे हटते, जो मौसी का रात आए उतना ही मैं खुश रहती हूं। बड़े साला जी का शादी होने वाला है अगला महीने, मतलब अगला सीजन में। मतलब हम दामाद होके आके वीडियोग्राफी कर रहे हैं, देख रहे मम्मी कैसे कैसे बोल रही है। हम तो रुसल साला का शादी में है, हम तो उसके बाद में जियो जी बनेगा, जगह जगह पर जिया जी, आप फिर वीडियोग्राफी करेंगे। वीडियोग्राफी करना है, बनिए रहिएगा। देख रहे हैं, मतलब हम वीडियोग्राफी भी करते रहेंगे और बीच बीच में नेवता भी पुराते रहेंगे। ठीक है मम्मी, देखिए जिसका चौमिन का दुकान होता है वो चौमिन नहीं खाता, जिसका दारू का दुकान होता है दारू नहीं पीता, जिसका फुचका का दुकान होता है वो फुचका नहीं खाता। उसी तरह मेरा वीडियोग्राफी का दुकान है, तो हम अपना वीडियो लेट से बनाएंगे ना शादी वाला। हम लोग अब निकलने वाले हैं, हम लोग दोस्तों पहुंच चुके हैं सब लोग, मम्मी बाबू हम, फाइनली ये मेरे हस्बैंड भी आते थे साथ में। निकल चुके हैं मौसी घर पे, हम लोग जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों।